नमस्कार, आज दिन भर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने जाहिर की चिंता। कांगड़ा में 22 सितंबर को भासुमा की युवा हुंकार रैली को सफल बनाने के लिए हिमाचल भासुमा शक्ति प्रदर्शन के लिए जुटा। भोरंज अस्पताल पर भाजपा द्वारा की जा रही टिप्पणियों पर एपीएमसी के चेयरमैन प्रेम कौशल ने किया पलटवार। हमीरपुर की ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल द्वारा ओजोन दिवस के अवसर पर निकाली गई रैली। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने चिंता जाहिर की है। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने शिमला में गुड़िया प्रकरण, बद्दी में बैग में महिला की लाश मिलना, बिलासपुर में महिला डॉक्टर की हत्या पर ये सब मामले प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार को एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने चिंता जाहिर की है। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने शिमला में गुड़िया प्रकरण, बद्दी में बैग में महिला की लाश मिलना, बिलासपुर में महिला डॉक्टर की हत्या, ये सब मामले प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार को एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार गंभीर नहीं है और हर दिन बलात्कार, हत्या और भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 70 वर्ष के इतिहास में पहली बार माननीय उच्च न्यायालय को दो मामलों में गुड़िया प्रकरण और वन रक्षक होशियार सिंह की हत्या के मामले में सीबीआई की जांच के आदेश करने पड़े। नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्याएं, चोरी, डकैती, हत्या को आत्महत्या बदले के मामले, बिलासपुर में डॉक्टर ज्योति ठाकुर की हत्या, उसको आत्महत्या बदलने का प्रयास, तारा देवी के पास एक महिला को बेहोशी की हालत में मिलना और बाद में उसका देहांत हो जाना, और आज जैसे आपने कहा कि बद्दी में एक महिला कर्मचारी की लाश मिली है, तो इस बात की द्योतक है कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में क्या हो गई है और समाज विरोधी तत्व कितने सक्रिय है हत्या करने में, लूटपाट में और बलात्कार करने में। इस सरकार को सत्ता में रहने का अब एक क्षण भी अधिकार नहीं है। पार्टी की बातों पर सर, विजिलेंस जांच हो रही है एचआरटीसी की कि घटिया पुर्जे इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। तो 5 साल से कांग्रेस सरकार के हर विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे थे, बार बार मुद्दे उठाते थे, तब तो उसमें ख्याल नहीं आया कि इनका पार्टी का अपना झगड़ा चल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है, किसी को कोई पता नहीं। गौरतलब है कि बिलासपुर में डॉक्टर ज्योति ठाकुर की हत्या और उसको आत्महत्या में बदलने का प्रयास, तारा देवी के पास एक महिला का बेहोशी की हालत में मिलना और बाद में उसका देहांत हो जाना, और बद्दी में सफाई कर्मी को कूड़े के ढेर के पास महिला का शव बैग में मिला है, ये इस बात को दर्शाते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में क्या है और असामाजिक तत्वों के हौसले प्रदेश में हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती और बलात्कार करने में बड़े हुए हैं। इस सरकार को एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आरजे फैशन पॉइंट हमीरपुर, जहां आप पा सकते हैं पहली बार स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस। आरजे फैशन पॉइंट, जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट, पैंट, स्कर्ट एंड स्कूल बैग, फुल एंड हाफ कोट, ब्लेजर, जैकेट एंड किंडर गार्मेंट्स। साथ ही रेडीमेड में उपलब्ध है अनारकली सूट, कुर्ता और बच्चों के लिए ड्रेसेस की विभिन्न वैरायटीज।
तो स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ आरजे फैशन पॉइंट में ही आना। हमारा पता है आरजे फैशन पॉइंट, अपोजिट दीप एंड कंपनी, नियर सब्जी मंडी, हमीरपुर। हमारा नंबर है 9817320738। आरके हॉस्पिटल हमीरपुर अब नई और एक्सपर्ट्स डॉक्टर की अनुभवी टीम ला चुका है आपके शहर हमीरपुर में। डॉक्टर रवि वर्धन, प्रोपराइटर आरके हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव शर्मा एमएस ऑर्थो, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव एमएस गायनी, डॉक्टर एमएन कमाल एमडी पीडियाट्रिक, डॉक्टर केतन फिजियोथेरेपिस्ट। विजिटिंग डॉक्टर्स हैं डॉक्टर मोहित वालिया डीएम कार्डियोलॉजी, डॉक्टर सुशील राही डीएम न्यूरोलॉजी एंड डॉक्टर सनी बिरडी डीएम पल्मोनरी। दिमाग और फेफड़ों की बीमारियों के डॉक्टर हर महीने के पहले शनिवार को, साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ हर महीने के पहले बुधवार को, साथ ही आरके हॉस्पिटल में हड्डी की चोट या फ्रैक्चर का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन, बच्चों के विशेषज्ञ, NICU, PICU जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध, 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा। आरके हॉस्पिटल नाउ ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, ऑपोजिट संत निरंकारी भवन, नियर हथली ब्रिज, भोटा रोड, हमीरपुर। रोहित ट्रेडिंग कंपनी सुजानपुर, हमारे यहाँ उपलब्ध है अंबुजा सीमेंट जो आपके घर व दीवारों को बनाए मजबूत, घर की छत को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए हमारे यहाँ हर तरह की कलरफुल सीट है उपलब्ध जो आपके घर की छत को बनाए आकर्षक। हम देते हैं अपने सामान की पूरी गारंटी। हमारे यहाँ आप पाएंगे TMT सरिया, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ टाटा टिस्कॉन। हो बातें सपनों की, लो अपनों की एडवाइस, हो बातें प्यार की, सोचो नॉट ट्वाइस, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, हो खुशियाँ अपनों की, बनो थोड़ा वाइस। टाटा टिस्कॉन अटूट जोड़ के साथ इंडिया बोले लाइफ में नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। घर की चार दीवारी के लिए ले जाएं एंगल पत्ती, आपके घर की छतों को निखारने के लिए कलर सीट के साथ GI सीट की भी है भारी रेंज। इसके साथ ही आप पाएंगे PVC पाइप्स, GC पाइप्स, हर तरह की पानी की भी टंकियों की है भारी रेंज। सुंदर घर स्वपन आपका, सहयोग हमारा। अपने घर के सपनों को साकार करने के लिए आज ही पधारें रोहित ट्रेडिंग कंपनी नियर ब्यास ब्रिज आलमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हमारा नंबर है 9816452118163351444। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांगड़ा में 22 सितंबर को भाजपा की युवा हुंकार रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। रैली में BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शिरकत करेंगे और इस मौके पर हिमाचल भाजपा भी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जुट गई है। इसी सिलसिले के चलते भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रभारी गौरव तिवारी ने हमीरपुर में शिरकत कर कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री, जिला अध्यक्ष भाजपा अभय वीर लवली, मीडिया प्रभारी विकास शर्मा भी मौजूद रहे। कांगड़ा में 22 सितंबर को भाजपा की युवा हुंकार रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। रैली में BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शिरकत करेंगे और इस मौके पर हिमाचल भाजपा भी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जुट गई है। इसी सिलसिले के चलते भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रभारी गौरव तिवारी ने हमीरपुर में शिरकत कर कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री, जिला अध्यक्ष भाजपा अभय वीर लवली, मीडिया प्रभारी विकास शर्मा भी मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रभारी गौरव तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कांगड़ा दौरे पर आएंगे, जिसके लिए रैली को सफल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से युवाओं के हुंकार को दिखाने के प्रयास किया जा रहा है। 22 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कांगड़ा में आ रहे हैं और वन बूथ 10 यूथ जो युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम था और जो युवा मोर्चा ने लगभग 75,000 रजिस्टर्ड युवाओं को बनाया है
उनकी एक रैली हो रही है कांगड़ा में, और ये एक वृहद रैली है। और इस रैली से ना कि केवल हिमाचल, पूरे देश में युवा मोर्चा का कार्यक्रम कैसा चल रहा है, और युवा हुंकार जब भरता है तो जो देश विरोधी जनता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, उनके प्रति लापरवाह लोगों के का जिस तरह से युवाओं का आह्वान रहता है उस, और युवा मोर्चा ने जिस तरह से काम किया है, ये सब दिखाया जाएगा कि किस जिस तरह से युवा केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंका, यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंका था, उसी तरह हिमाचल की जनता और युवा एक साथ होकर इस बार कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंके, और वीरभद्र की जो 5 साल की कमियां रही हैं, जो 20 साल पीछे कर दिया हिमाचल को, उस पर एक हुंकार भरने जा रहा है, और अमित शाह जी सभी युवाओं को अपना एक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि कांगड़ा में होने वाली हुंकार रैली में 1 लाख से ज्यादा युवाओं ने भाग लेने का दावा भाजपा कर रही है। वहीं प्रदेश में देश भाजपा राष्ट्रीय अमित शाह की अंतिम अहम रैली मानी जा रही है। भोरस अस्पताल पर भाजपा द्वारा लगातार की जा रही टिप्पणियों पर एपीएमसी के चेयरमैन एवं कांग्रेस के नेता प्रेम कौशल ने पलटवार किया है। भोरंस में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा बिना तथ्यों की जाने ऐसी बयानबाजी कर रही है, जबकि प्रदेश सरकार ने अस्पताल का दर्जा बढ़ाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। भाजपा के जो विधायक है भोरंस विधानसभा क्षेत्र से, वो भोरंस का जो सिविल हॉस्पिटल है इसको लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं जनता के बीच में, जहाँ जा रही है कि इसको अपग्रेड नहीं किया गया, उसको लेकर मुझे बात करनी थी। ये सरासर झूठ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 21 फरवरी 2014 को एक अधिसूचना जारी करके इस हॉस्पिटल का दर्जा CHC से बढ़ाकर सिविल हॉस्पिटल किया है, नई पोस्टें भी दी हैं और 50-bedded इस हॉस्पिटल को करने की अधिसूचना जो है वो सरकार ने जारी की है। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वर्तमान में, वो उनको ना राजनीतिक कोई समझ है, ना कोई राजनीतिक उनका कोई विजन है, ना विकास को लेके उनके मन में कोई योजना है, ना ही वो उनकी कोई इस चीज़ में रुचि है। वो ठीक है, जीत के उसके लिए उनको बधाई देता हूँ, लेकिन दुष्प्रचार करके ज़्यादा देर तक राजनीति नहीं की जा सकती, क्योंकि उनको विधायक लोगों ने चुना है और विधानसभा के चुनाव फिर से आ रहे हैं। 6 महीने उनको हो गए होंगे विधायक बन के, तो इन विधानसभा चुनावों में यहाँ की जनता अनिल धीमान से 6 महीने में उन्होंने बतौर विधायक कौन सा तीर मारा भोरंज विधानसभा क्षेत्र के लिए, इसका हिसाब भी मांगेगी और जानना भी चाहेगी उनसे कि पिछले 30 वर्षों में जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का लगातार शासन भोरंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर रहा है, पिछले दिनों आईडी धीमान जी ने उनके पुत्र अनिल धीमान जी ने एक ज्ञापन कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एसटीएम साहब को दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो ज्ञापन इन्होंने दिया वो एक तरह से अपनी ही इनकी नाकामियों को परिलक्षित करने का एक डॉक्यूमेंट था, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी और धीमान परिवार ही इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर यहाँ कोई विकास को लेकर कमी है तो उसकी जिम्मेदारी भी उनको अपने ऊपर लेनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ है, भोरंज हेडक्वार्टर का भी और पूरे विधानसभा क्षेत्र का भी, तथ्यों के ऊपर आधारित है कि सारे के सारा जो विकास के काम है वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से हुए हैं, और बहुत से काम मेरे माध्यम से भी इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के जो है वो संपन्न हुए हैं। तो इसलिए इस तरह का प्रचार जो है वो करने की बजाय डॉक्टर अनिल धीमान को समस्याओं के ऊपर फोकस करना चाहिए, उनके ऊपर बात करनी चाहिए और वो करना क्या चाहते हैं बतौर विधायक, उनकी योजना क्या है इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, उस पर उनको चर्चा करनी चाहिए और दुष्प्रचार से राजनीति देर तक चल नहीं सकती। भोरंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी जंग के लिए भोरंज संघर्ष समिति ने कमर कस ली है। हालांकि गत 5 माह पहले हुए उपचुनावों में भी संघर्ष समिति ने जिला परिषद सदस्य पवन कुमार को चुनाव मैदान में उतारा था, और अब चुनावों से ठीक पहले फिर से संघर्ष समिति ने सक्रियता बढ़ाते हुए अभियान तेज कर दिया है। भोरंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी जंग के लिए भोरंज संघर्ष समिति ने कमर कस ली है। हालांकि गत 5 माह पहले हुए उपचुनाव में भी संघर्ष समिति ने जिला परिषद अध्यक्ष पवन कुमार को चुनाव मैदान में उतारा था,
और अब चुनावों से ठीक पहले फिर से संघर्ष समिति ने सक्रियता बढ़ाते हुए अभियान तेज कर दिया है। हमीरपुर के हमीर होटल में भोरंज संघर्ष समिति के सदस्यों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करके चुनावी बिगुल बजाया है। समिति सदस्य विकास ने कहा कि भोरंज में चुनाव लड़ा जाएगा और संकल्प लिया है कि भोरंज से परिवारवाद और विकास की दुर्दशा को रोकने के लिए चुनाव लड़कर परिवर्तन लाएंगे। समिति आने वाले समय में जो आम इलेक्शन होने वाले हैं उसमें निश्चित रूप से इलेक्शन लड़ने जा रही है और हमने जो संकल्प लिया है भोरंज विकास नगर समिति ने कि भोरंज से परिवारवाद और जो भोरंज की दुर्दशा हुई है विकास के रूप में उसको विकसित भोरंज बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इलेक्शन लड़के इस बार परिवर्तन वहां पे निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ओपी दीवान ने कहा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात की जा रही है और इस बार चुनावों के लिए पूरी तैयारी की गई है ताकि भोरंज में परिवर्तन किया जा सके। अगले इलेक्शन में अगर मुझे कोई दायित्व मेरी संघर्ष विकास समिति मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है जो मैं वही देती हूँ तो मैं निभाऊंगा। नहीं, मेरा तो सिर्फ एक एजेंडा ही का है कि जो ये टैक्स चेंज होनी चाहिए, चेंज तो होनी चाहिए, चेंज जो है प्रकृति नियम है क्योंकि वो स्थिति और थी, इसी की स्थिति कुछ और। आप क्या थी कहने आप पहले उस वक्त तो ऐसे था बाई इलेक्शन था, उसमें सारी पार्टियां अपने नुमाइंदों को जिताने के लिए यहाँ बैठी हुई थी, कन्वेंशनिंग तो बहुत जोर से चली हुई थी और इनको अपने पक्ष में करने के लिए कामयाब रही, अदरवाइज हमारे पवन जीते पहले कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं जैसे जैसे उनकी लाइन लगती रही, जैसे नए नए कैंडिडेट्स आते हैं वो एक दूसरे के पक्ष में नहीं जाते। जिला परिषद सदस्य पवन कुमार ने कहा कि भोरंज संघर्ष समिति का एजेंडा भोरंज को परिवार मुक्त बनाना है और विकास करवाना है। उन्होंने कहा कि अभियान जोरों से चला हुआ है और लोगों का भी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। तो आप बात दाव की कर रही है, दाव नहीं है। यहाँ पर भोरंज संघर्ष समिति का मुख्य एजेंडा जो है वो व्यवस्था परिवर्तन है, भोरंज को विकसित भोरंज बनाना है, परिवार मुक्त भोरंज बनाना है, ये हमारा संघर्ष समिति का मुख्य एजेंडा है। अभियान की जहां तक बात की जाए तो हमारे संघर्ष समिति के सम्माननीय अध्यक्ष महासचिव जी भाई पुरुषोत्तम जी व हमारे जो वहां कार्यकारिणी के 70 से ज्यादा लोग जो है वो इस टीम में है, वो रात दिन कार्य में लगे हुए हैं। जन जागरण जो है वो जनता में हम कर रहे हैं और जनता जो है वो हमारे एजेंडे को समझने में जो कामयाब भी हो रही है। परिवर्तन 110% जो है हम परिवर्तन करेगी भोरंज की जनता, ये हमें पूर्ण विश्वास है। हमारा जो है हमारा मुद्दा नहीं है, हम जो है भोरंज को विकसित बनाना चाहते हैं, विकासशील भोरंज बनाना चाहते हैं। मुद्दा तो केवल मात्र अपने स्वार्थ के लिए होता है, वो झूठा मुद्दा भी फैला दिया जाता है उसमें कोई बड़ी बात है, लेकिन हमारा एक ही मुद्दा है कि भोरंज को हमने विकसित भोरंज विकास से परिपूर्ण भोरंज बनाना है। परिवारवाद तो वो तो प्रमुखता के ऊपर है, इसको तो हम हटाएंगे, उसके लिए तो हम चले कोई बात नहीं। एक बार अगर हम कोई बेटा अगर पेपर में फेल हो जाता है तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि वो दोबारा उस परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं होगा, वो परीक्षा देगा और हमें भोरंज की जनता के ऊपर पूर्ण भरोसा है कि उस परीक्षा में हमारी भोरंज संघर्ष समिति जो है वो कामयाब होगी आने वाले वक्त में। अब मैं जब चुनाव हुआ तो मेरी गरीबी के चिथड़े उड़ाए गए, वहां पर जनता में ये फैलाया गया कि पवन कुमार की जमीन बिक गई, गाड़ी बिक गई और जनता में ये लोग दुष्प्रचार करते रहे मेरे बारे में। मेरा मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कि मेरा कुछ भी नहीं बिका है, मुझे भोरंज की जनता ने एक एक दो दो रुपया पांच पांच रुपया जो वो जनता ने दिया है, चुनाव मुझे भोरंज की जनता ने लड़ाया है। रही बात पैसे की या बिकने की, मैंने तो जब से होश संभाला है तब से मैं जनता की सेवा में, मैंने तो पैसा कहीं से कमाया ही नहीं, ये तो भोरंज संघर्ष समिति की ताकत है व भोरंज की जनता की ताकत है। जिस जनता की ताकत के बूते भोरंज संघर्ष समिति के आशीर्वाद से हमने चुनाव लड़ा है। गौरतलब है कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में लगातार 27 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है और इस बार पूर्व शिक्षा मंत्री एवं विधायक रहे स्वर्गीय आई दिमान के निधन के बाद उनके पुत्र डॉक्टर अनिल दिमान ने उपचुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन अब दो माह बाद होने वाले चुनावों में भोरंज संघर्ष समिति के मैदान में उतरने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कार्यक्रम में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 10 साल सफलतापूर्वक दुलेड़ा ऊना में कंप्लीट करने के बाद पूरी फर्नीचर हाउस अब आपके शहर हमीरपुर में मट्टन सेठ हनुमान मंदिर के सामने दे रहा है अपनी सेवाएं।
अपने घर को ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आज ही आएं पूरी फर्नीचर हाउस हमीरपुर और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे चार चांद। आपकी सुविधा के लिए सागवान लकड़ी से तैयार करवाए जाते हैं सोफा कम बेड, दीवान कम बेड, डाइनिंग टेबल, चेयर, अलमीरा की भारी रेंज। आपके ऑफिस को नई लुक देने के लिए हम देते हैं गारंटी के साथ डिजाइनर रिवॉल्विंग चेयर, सेलो प्लास्टिक चेयर व ऑफिस की हर जरूरत का सामान। साथ ही हमारे यहाँ उपलब्ध है गोदरेज के गद्दे। तो दीजिए अपने घर व ऑफिस को नई लुक पूरी फर्नीचर हाउस के साथ। हमारा पता है पूरी फर्नीचर हाउस नियर हनुमान मंदिर मटनसिद हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816562762888942339390। ठाकुर द्वारा गौशाला समिति वर्ष 2001 से लावारिस बेसहारा तथा पीड़ित गाय की कर रही है देखभाल। कमेटी के अथक प्रयासों दानदाताओं के सहयोग से पीड़ित गौधन को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। कमेटी द्वारा लावारिस पीड़ित व बेसहारा गौओं की जाती है सेवा। गौशाला में गाय का घी, अर्क व पंचगव्य से निर्मित धूप दवाइयां भी हैं उपलब्ध। गौशाला में किसानों के लिए वर्मिंग खाद भी की जाती है तैयार। गौशाला में गौ पूजन, गौदान, तुलादान, शनि, नवग्रह व नवरात्रों पर पूजा पाठ का किया जाता है विशेष आयोजन। दानी सज्जन गौशाला में दान करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर दान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई दान राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में भी दी जाती है छूट। तो आज ही आए ठाकुर द्वारा गौशाला समिति जमली धाम और बने पुण्य के भागी। गणपति इंटरप्राइजेस लावा मोबाइल हमीरपुर। हमारे यहाँ उपलब्ध हैं लावा के हर तरह के मोबाइल। हमारे यहाँ लावा मोबाइल होलसेल और रिटेल किए जाते हैं। ग्राहकों की हर सुविधा का रखा जाता है खास ख्याल। हमारे यहाँ लावा मोबाइल का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर उपलब्ध है। यहाँ पर ग्राहकों को दी जाती है बेहतरीन सर्विस। दुनिया का जाना माना नाम लावा मोबाइल। तो आप चाहते हैं मैं लोगों को बोलूं कि आपका फोन बहुत रिलायबल है? सर, लावा का हर फोन हजारों टेस्ट से होकर गुजरता है। मैं कैसे मानूं? सर, आप खुद एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। ओहो, गलती से ले लिया। टूटा तो नहीं? नो सर, हमने इसके लिए भी टेस्ट किया। जस्ट वन ऑफ द 1000 टेस्ट्स दैट मेक लावा फोन्स सो रिलायबल। ऐसा कोई टेस्ट जो आपने नहीं किया? सर, वो आपकी कैचिंग का। यार, लोगों को ये बोलने से पहले कि आपके फोन्स रिलायबल हैं, I have to be sure. वैसे लावा का हर फोन हजारों टेस्ट से गुजरता है। एक्स्ट्रा टॉवल लाना चाहिए था, कॉल करके मंगवा लेंगे। ओह नो, फोन अंदर नहीं आया, खराब हो जाएगा। नो सर, इसके लिए भी टेस्ट किया सर। जस्ट वन ऑफ द 1000 टेस्ट्स दैट मेक लावा फोन्स सो रिलायबल, नेवर लेट्स यू डाउन। जब भी लेना हो लावा मोबाइल, आए गणपति इंटरप्राइजेस हमीरपुर। हमारा पता है गणपति इंटरप्राइजेस न्यू रोड ऑपोजिट इलाहाबाद बैंक हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816789389 9805816833। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल द्वारा ओजोन दिवस के अवसर पर पूरे बाजार में रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को नारों के माध्यम से ओजोन दिवस के बारे में बताया। ये रैली गांधी चौक से होते हुए भोटा चौक निकाली गई। हमीरपुर के ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल द्वारा ओजोन दिवस के अवसर पर पूरे बाजार में रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को नारों के माध्यम से ओजोन दिवस के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया। यह रैली गांधी चौक से होते हुए भोटा चौक तक निकाली गई। वहीं स्कूली बच्चों हिमांशु नेहा ने बताया कि आज ओजोन दिवस के उपलक्ष्य पर रैली निकाली जा रही है और लोगों को ओजोन किरणों के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ओजोन लेयर ना हो तो हमारी त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत सूर्य के किरणों के प्रभाव को रोकने का काम करती है।
कृष्णांशु, आई एम फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, आई रीड इन 7th क्लास। आज हमने रैली इसलिए निकाली है ताकि हम लोगों को बता सकें कि ओजोन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हमारे सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उसकी वजह से हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा डिजीजेज हो सकते हैं। ओजोन लेयर को इसलिए हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और पेड़ भी उगाना चाहिए। थैंक यू। Myself Neha, I'm from Oxford International School. Today you are watching, we have taken a rally. So you have watched that Ozone Day is celebrated worldwide, nationally and internationally. It is a layer that protects us, Earth, from ultraviolet rays that is coming from the sun. If there is no ozone layer, then our Earth will be end soon. Thank you. जी, कक्षा के छात्रों, आज हमारे स्कूल से ओजोन डे के ऊपर रैली निकाली गई है। ये ओजोन डे 16 सितंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि UNO ने इंटरनेशनल लेवल पे ओजोन डे स्टार्ट किया था। अगर ओजोन जो होती है, एक ऑक्सीजन होती है जो हमारी अर्थ के पूरी सराउंडिंग में हमारी अर्थ की प्रोटेक्शन करती है। अगर ये नहीं होती तो हमारी धरती पर हार्मफुल डिजीज होती है हमारी स्किन पर, इसलिए हम ये ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने जाहिर की चिंता। कांगड़ा में 22 सितंबर को भाजपा की युवा हुंकार रैली को सफल बनाने के लिए हिमाचल भाजपा शक्ति प्रदर्शन के लिए जुटा। भोरंज अस्पताल पर भाजपा द्वारा की जा रही टिप्पणियों पर एपीएमसी के चेयरमैन प्रेम कौशल ने किया पलटवार। हमीरपुर की ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल द्वारा ओजोन दिवस के अवसर पर निकाली गई रैली। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एस्ट्रोडिक के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। आइए सबसे पहले जो प्रदेश, देश और विदेश से राजनीति, खेल और मनोरंजन की दुनिया की हर खबर दर्शकों तक पहुंचाने का वादा करता है, हर खबर पर होगी पैनी नजर। हिमाचल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ठाकुर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हमीरपुर। ठाकुर मोटर ड्राइविंग स्कूल हिमाचल के नंबर 1 ड्राइविंग स्कूलों में से है एक, जहां पर अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा LMB नॉन ट्रांसपोर्ट, LTV ट्रांसपोर्ट व्हीकल, HTV हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, वाहन को चलाने का आधुनिक तकनीक से दिया जाता है प्रशिक्षण। ड्राइविंग के साथ साथ गाड़ियों के कलपुर्जों की भी दी जाती है जानकारी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के साथ साथ शादी विवाह व टूर के लिए भी बुक की जाती है गाड़ियां। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में प्रदूषण जांच केंद्र की भी है सुविधा। तो ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें ठाकुर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हमीरपुर, नियर पेट्रोल पंप हथलीखड हमीरपुर। हमारा नंबर है 9418667908, 9418400349।